हेलो दोस्तों, मैं नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका एस वी पी यू एग्जाम के ऊपर है और आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे साइड से मिलते रहे। हम लोग बात कर रहे हैं एस वी पी यू में फेजेस ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, कितने फेज में सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले चीज जान के रखिएगा, यहाँ पे थ्री फेजेज में सिलेक्शन होता है, आपको थ्री फेज में होगा। सबसे पहला हो गया प्रीलिमिनरी या प्रीलिम्स हम जिसको बोलते हैं, यहाँ से जो लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है, जो सेलेक्ट होंगे आपका रिटन एग्जाम में वो चले जाएंगे आपका दूसरा एग्जाम लिखने, यानी हम इसको बोलेंगे फेज वन। फिर चले जाएंगे वो मेंस का एग्जाम लिखने, इसको हम लोग बोलेंगे फेज टू। और यहाँ पे जो लोग सेलेक्ट होंगे आपका ये वापस से रिटन एग्जाम में, ठीक है, जो लोग भी सिलेक्शन होंगे रिटन एग्जाम में, अब वो क्या चले जाएंगे आपका ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम जीडी भी बोलते हैं, एंड इंटरव्यू होगा आपका। और यहां से जो सेलेक्ट होंगे वो चले जाएंगे आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, या बोल सकते हैं फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इतने फेजेस से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले हो गया प्रीलिम्स, उसका मेंस लिखेंगे और उसका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू दोनों देंगे आप, ठीक है, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। याद रखिए ग्रुप डिस्कशन के बाद इंटरव्यू तुरंत होता है, ऐसा नहीं होता ग्रुप डिस्कशन हो गया उसमें से जो सिलेक्ट होगा इंटरव्यू, दोनों का साथ में होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे साइड से मिलता रहे। थैंक यू।